Hello friends, welcome to Gaurav Economic Classes. Friends, today is our second lecture on the topic Indian Economy from 1950 to 1990. Friends, आज writing थोड़ी गड़बड़ है, आप संभाल लीजिएगा. Friends, Indian Economy topic हम लोग 1950 to 1990 के under क्या-क्या changement हुए, क्या-क्या important decision लिए गए, वो सब हम लोग आज पढ़ेंगे. As we know, हम लोग को independence कब मिली थी? 15 अगस्त 1947, ठीक है? अब इसमें कुछ चीजें थी कि प्लानिंग कमीशन क्या होता है, प्लान क्या होता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होता है और इकोनॉमिक सोसाइटी क्या होता है. ये दोनों इकोनॉमिक सिस्टम के पार्ट होते हैं. फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए प्लान क्या होता है, प्लानिंग कमीशन क्या थी. प्लानिंग कमीशन 1950 को हमारी फॉर्म हुई थी, इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू. फ्रेंड, प्लानिंग कमीशन का मेन रोल ये था कि जो हमारे कंट्रीज में रॉ मटेरियल है, जो हमारे कंट्रीज के रॉ मटेरियल, उनका यूज करके आने वाले इयर्स में उनका यूज करके फाइव टाइम ईयर के गैप में उनका यूज करके कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वर्क करना. मेन प्लानिंग कमीशन फाइव ईयर के टेन्योर में वर्क करता था. फ्रेंड्स, प्लानिंग कमीशन फाइव ईयर के टेन्योर में वर्क करता था और ये स्टार्ट हुआ था हमारा 1950 से. प्लान क्या होता है? प्लान, एज वी नो, कॉमर्स में हम लोगों ने पढ़ा होगा, प्लान जो हमारे पास कंट्रीज के पास रिसोर्सेस हैं, जो कंट्रीज के पास रॉ मटेरियल हैं, उनका यूज करके, उनका बेटर यूटिलाइजेशन करके आने वाले इयर्स में उनका सही तरीके से यूज करके एक प्लान मेक तैयार करना. और ये प्लान कौन? पॉलिसी मेकर, ये सब इकोनॉमिस्ट प्रिपेयर करते थे. वही हमारा प्लानिंग कमीशन हम लोग पढ़ेंगे. फ्रेंड्स, आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ, जब ब्रिटिश ने हमारे कंट्रीज में रूल करा था, 200 इयर्स बाद हमारी कंट्री हमारे खुद हैंड्स में थी. द कंट्री इज इन आवर हैंड्स. सो फ्रेंड्स, अब हम अपनी कंपनी कंट्रीज के किंग थे. हम अपनी कंट्रीज के जो यूटिलाइज कर सकते थे प्रोडक्ट, वो हम अपने तरीके से कर सकते थे. और जो पॉलिसीज मेकर थे, जवाहरलाल नेहरू एसेट्रा एसेट्रा वेरियस पॉलिसीज मेकर थे, तो वो उन्होंने मेन रोल लिया, प्ले करा इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने में. फ्रेंड्स, अब दो टाइप की हमारी इकोनॉमी आती है, इकोनॉमिक सिस्टम हमारे दो टाइप के होते हैं. फ्रेंड, एक होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी और दूसरा होता है सोशलिस्ट सोसाइटी. कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एज द नेम सिग्निफाइज कैपिटल, मींस मनी से रिलेटेड है. व्हाट पीपल नीड डिपेंड ऑन द परचेजिंग पावर. कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता था, एक ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी कुछ टाइम पीरियड के लिए इंडियन में इकोनॉमी में लाया जा रहा था. कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता था कि परचेजिंग पावर, लोगों के पास जितना पैसा है वो उतनी डिमांड कर सकते थे. What people need depend on the purchasing power. मतलब जितने, जैसे मेरे को कोई सामान चाहिए, मेरे को आईफोन चाहिए, सो मेरे परचेजिंग पावर में डिपेंड करता है, मैं कितना परचेज कर सकता हूँ. मैं अगर आईफोन परचेज कर सकता हूँ, मेरी इनकम जितनी होगी तो मैं आईफोन खरीद सकता हूँ. मेरी इनकी हाई परचेजिंग पावर में मैं आईफोन खरीद सकता हूँ. सो फ्रेंड्स, इसमें क्या था, इनइक्वलिटी हो रही थी. इनइक्वलिटी मीन्स गवर्नमेंट प्रॉपर रोल प्ले नहीं कर पा रही थी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में. जो परचेजिंग पावर, जो हाई बैकग्राउंड के लोग हैं, वो वही सिर्फ डिपेंड कर पा रहे थे, डिमांड कर पा रहे थे गुड्स वगैरह की. सो कैपिटलिस्ट सोसाइटी ये कुछ टाइम पीरियड बाद फेल हो गया. नेक्स्ट आता है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या था, जो इस समय सोसाइटी की नीड है, जो सोसाइटी की नीड है, जो सोसाइटी चाहती है, वो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कराती थी. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी एक बेटर ऑप्शन था कंपैरिजन टू कैपिटलिस्ट सोसाइटी. सो फ्रेंड्स, ये था इंट्रोडक्शन हमारा. प्लान क्या होता है, प्लानिंग कमीशन क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी में और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट हमारा ये इंट्रोडक्शन था. इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम मायलोबिन्स के बारे में बताएंगे. मायलोबिन्स कौन थे, एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर थे हमारे इंडियन इकोनॉमी में, उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर आगे नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे. सो फ्रेंड्स, इसको आप अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए. वैसे कुछ नोट करने वाला इसमें है नहीं. फ्रेंड्स, तो हमने आज क्या पढ़ा, व्हाट इज द प्लान, सेकंड प्लानिंग कमीशन का फॉर्म हुआ, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी और सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या फर्क था. ये इकोनॉमिक सिस्टम के पार्ट है हमारे फ्रेंड्स. और फ्रेंड्स, ये यहाँ मैं सेकेंड लेक्चर इसलिए लिखता हूँ क्योंकि तब जब आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको एक सीरियल वाइज से सीरियल नंबर मिल जाएगी. जब तब मैंने फर्स्ट वीडियो यहाँ साइड में लिखा होगा, उसमें सेकंड वीडियो एंड फ्रेंड, उसके बाद मैं थर्ड वीडियो फोर्थ वीडियो ऐसे मैं करता जाऊंगा. फ्रेंड्स, ये इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसके साथ साथ मैं क्लास 11 के लिए स्टैट्स की भी वीडियो अपलोड करूंगा उस टाइम पीरियड में. सो फ्रेंड्स, ये आप नोट कर लीजिए. सो नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ.
सो फ्रेंड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान. अभी हम लोगों ने फ्रेंड्स 5 ईयर प्लान पढ़ा था, उसके बारे में चीजें पढ़ी थी क्या होता है प्लान और क्या कैसे कैसे 5 ईयर प्लान में वर्क होता था. सारे फ्रेंड्स 5 ईयर प्लान के मेनली एक इंटर रिलेटेड गोल्स होते थे, कोई ना कोई वो गोल्स कंपेरिजन कंप्राइज करते थे और उसी गोल्स के बारे में आज जो उसके इम्पोर्टेंट गोल्स हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे आज. फ्रेंड्स सबसे पहला गोल है 5 ईयर प्लान का ग्रोथ. ग्रोथ मीन्स क्या? ग्रोथ होना, एक हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, एक हमारी कंट्री की भी ग्रोथ होती है फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स लिखा है इंक्रीज इन द कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट. मीन्स कंट्री की जो कैपेसिटी है, कंट्री की जो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी, कंट्री में जो फैक्ट्रीज हैं उनकी कैपेसिटी ग्रोथ करना, उनकी जो कंट्रीज में जैसे फैक्ट्रीज है हमारी, फैक्ट्रीज में कम से कम इनपुट्स में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट होना, तो यही हमारी ग्रोथ है. लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज करना, यही हमारी ग्रोथ है. तो ये कैसे होंगी? कुछ गवर्नमेंट हमारी पॉलिसीज मेक करेगी इन सबको चेंज करने में, तो वो ग्रोथ में आ जाएगा हमारा. सेकंड है मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्न मॉडर्नाइजेशन, आज का टाइम मॉडर्न मॉडर्नाइजेशन लोग बोलते हैं, आज का टाइम बहुत मॉडर्न है, आज के टाइम बहुत लोग मेरे बच्चे बहुत ज्यादा मॉडर्न है. तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी. अब हम लोग मॉडर्न क्यों होंगे? लोग फेसबुक ट्विटर वगैरह यूज करते हैं तो मॉडर्न हो गए. तो ऐसे ही कंपनीज जो है हमारी, उनको न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करना होगा अपने प्रोडक्शन वगैरह करने में, अपने प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें कंपनीज को न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, तभी वो अपग्रेडेड होंगी और तभी वो एक मॉडर्नाइजेशन माने जाएंगे. सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस मीन्स क्या होता है? सेल्फ रिलायंस मीन्स हिंदी बोले तो आत्मनिर्भर, मतलब खुद पे डिपेंडेंट होना, मतलब दूसरे में किसी में नहीं डिपेंडेंट होना. तो कंट्री को भी अगर सेल्फ रिलायंस होना है, अगर ग्रोथ करना है कंट्री को, तो उसे सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा. मीन्स अपनी कंट्रीज के जो गुड्स हैं, ना कि कहीं और कंट्रीज से परचेज करके या तो इम्पोर्ट करके यूज नहीं करना है, अपनी कंट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उनका यूज करके और कंट्री के ग्रोथ प्रोसेस में उनको लगाना है. अ नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज. मींस लिखा है कि अगर एक नेशन अपना इकोनॉमिक ग्रोथ तभी प्रमोट कर सकता है जब मॉडर्नाइजेशन तभी प्रमोट कर सकता है जब वो अपने रिसोर्सेज का खुद यूज करे, जो उसकी कंट्रीज में रिसोर्सेज हैं वो उनका खुद यूटिलाइज करे. फोर्थ पॉइंट है इक्विटी. इक्विटी मीन्स रिच और पुअर बैकग्राउंड, इंडिया में तो बहुत ज्यादा ही है, इक्वालिटी नाम की कोई चीज नहीं है. सो फ्रेंड्स ऑल पर्सन शुड ट्रीटेड इक्वली, जो रिच बैकग्राउंड है और जो पुअर बैकग्राउंड है, अगर हमारी कंट्री को एक ग्रोथ प्रोसेस में अपनाना है तो इन दोनों के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, इन दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम होना चाहिए, सबका सेम इक्वालिटी होनी चाहिए, तभी हमारा एक जो ग्रोथ प्रोसेस है वो हम लोग अडॉप्ट कर पाएंगे. और यही मेन गोल थे 5 ईयर प्लान्स के. सो फ्रेंड्स फर्स्ट वन इज द ग्रोथ, सेकंड वन इज मॉडर्नाइजेशन, थर्ड वन इज सेल्फ रिलायंस एंड फोर्थ इज इक्विटी. सो फ्रेंड्स इसको आपको अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, बाकी नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ. पीसी मालोबिंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. पीसी मालोबिंस कौन थे? ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर थे हमारे इकोनॉमी, इंडिया इकोनॉमी में, पॉलिसीज मेकर में इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मेकर थे उन्होंने, और बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था हमारा 5 ईयर प्लान में, प्लानिंग कमीशन फॉर्म होने में. सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं महालोगिंस, महालोगिंस के बारे में. पीसी महालोगिंस ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे आर्किटेक्ट थे इंडियन प्लानिंग के. इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था फ्रेंड्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स महालोगिंस कौन थे? महालोगिंस को हम लोग आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं. इनका बर्थ हुआ था 1893 में. पीसी महालोगिंस इनका पूरा नाम है, प्रशांत चंद्र महालोगिंस. इन्होंने आईएसआई मींस इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट की एस्टेब्लिशमेंट करा था फ्रेंड्स. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट तो नहीं है हमारे सिलेबस का, बट इनके बारे में एक बार हमें जानना जरूरी है क्योंकि ये आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग थे. इन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो हमारा 5 ईयर प्लान 5 ईयर्स का था जैसे आपको बताया था मैंने, तो 1950 से जब स्टार्ट हुआ था, 1951 टू 1955 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला. उसके बाद 1955 के बाद इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चालू कर दिया. मीन्स सेकेंड 5 ईयर प्लान में इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन चालू करा था. सो सेकेंड 5 ईयर प्लान के ये
एक तरीके से ग्रोथ माने जाते हैं, और इंडियन प्लानिंग में कंट्रीब्यूशन इनका इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मेंबर ऑफ ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी, एक मेंबर भी रह चुके हैं ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी की। ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी क्या होती है? ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी में जो एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन थे, एमिनेंट साइंटिस्ट होते थे, उसमें उनको मेंबर बनाए जाते थे ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी में। इनकी एक मैगजीन भी चलती है, अभी भी चलती है, इन्होंने तब अपने टाइम पे चालू करा था संख्या। ये ISI में जितने स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है ISI उसमें चलती है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज के टाइम तो इनकी पॉलिसीज को काफी इकोनॉमिक्स ने मतलब अपना मना कर दिया कि कुछ कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, कई सारे डिमेरिट्स हैं, बट इन्होंने एक इंडिया के ग्रोथ प्रोसेस में एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है फ्रेंड्स। ही वॉज एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन एंड वेरियस पॉलिसीज मेकर। व्हाइल प्रिपेयरिंग द सेकंड फाइव ईयर प्लान, ही इनवाइटेड वेरियस नोबेल लेक्चरर्स and various policies maker from across the world in India. So he contributed various things in economic growth of India. So friends, इनके बारे में इतना ही था friends। इनके बारे में जानना जरूरी था, कभी कभी इनके बारे में पूरा name, तो अगर आप कोई competitive exam देते हैं तो पूरा name पूछ लिया जाता है। second five year plan किसने दिया था ये भी पूछ लेते हैं, पीसी मार्लोगेंस, और इनका बर्थ डेट, मेंबर ऑफ ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी था, और ये ग्रोथ रोल इन्होंने प्ले करा था, और इनकी एक मैगजीन चलती थी संख्या नाम से। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या मेन चीजें आती, क्या क्या एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स होते हैं, अगर आपको ये लिखना हो तो लिख लीजिए, वैसे ये इंपॉर्टेंट उतना पार्ट नहीं है, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये रखना चाहिए साइड में। सो फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर। इंडियन इकोनॉमी की चैप्टर में इससे पहले हम लोगों ने गोल्स ऑफ द फाइव ईयर प्लान पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर, जैसा आप लोग जानते हैं, एग्रीकल्चर में मेन क्या क्या चेंजमेंट हुए थे इंडिपेंडेंस के पहले और इंडिपेंडेंस के बाद। सो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस के पहले तो काफी ड्रास्टिक सिचुएशन थी हमारी एग्रीकल्चर की, और इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ा बहुत चेंजमेंट आया था। चेंजमेंट किस लिए आया था, वो सारी पॉलिसीज जिनकी वजह से चेंजमेंट आया था, वो सारी पॉलिसीज आज हम लोग पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, उन्हीं में से एक पॉलिसी है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स मीन लैंड की चेंजमेंट, रिफॉर्म्स मीन्स क्या करना होता है, सुधारना, अगर हिंदी बोले तो सुधारना, चेंज, एक तरीके से चेंज करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जमींदार्स ओनली कलेक्ट रेंट विदाउट इंप्रूवमेंट ऑन द लैंड सिस्टम। मीन्स इंडिपेंडेंस के टाइम, इंडिपेंडेंस के पहले क्या होता था कि जमींदार क्या करते थे, रेंट कलेक्ट कर लेते थे, और उनके वेलफेयर, लैंड के वेलफेयर या फार्मर्स के वेलफेयर के लिए कभी उन्होंने वर्क नहीं करा, सिर्फ उनका एक मेन एम था प्रॉफिट अर्न करना। सो फ्रेंड्स, इससे काफी ड्रास्टिक सिचुएशन, काफी चेंजमेंट आया सिचुएशन में, और काफी हमारा जो एग्रीकल्चर का जो आउटपुट आ रहा था वो काफी लो होने लगा। सेकेंड है एग्रीकल्चर सेक्टर इक्विटी लैंड रिफॉर्म्स। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रिच और पुअर सेक्टर में इक्वलिटी लानी, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वलिटी लानी है तो उनको भी, पुअर सेक्टर्स को भी सब्सिडीज वगैरह देनी पड़ेंगी, पुअर सेक्टर्स को भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज वगैरह देनी पड़ेंगी, ताकि वो रिच और पुअर लेवल एक इक्वल लेवल में आ सके। सो फ्रेंड्स, इसमें भी यही पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर इक्विटी लानी है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्वलिटी लानी है, तो हमें लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ा। जैसे ही हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करा फ्रेंड्स, तो जमींदार का तो क्लोज, जमींदार सिस्टम क्लोज, जो बीच में इंटरमीडिएट्स थे वो भी क्लोज, जमींदार क्लोज, इंटरमीडिएट्स क्लोज, और जितने भी जो पॉलिसीज थी कि वो जो लैंड थी उनमें रेंट वगैरह लगाते थे, वो सब क्लोज हो गया था। सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही राइट था कि वो लैंड में टैक्स लगा सकती है, लैंड में जो भी उनकी पॉलिसीज है वो लगा सकती है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग, सीलिंग मीन्स होता है मैक्सिमम, एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर देना। जैसे मैक्सिमम लिमिट आप लोगों से डिसाइड होती है कि आप 20 मार्क्स ला सकते हो पेपर में, 25 ला सकते हो, तो इसी तरीके से लैंड में भी एक सीलिंग, लैंड में भी एक लिमिट डिसाइड कर देगी कि आप इतनी लैंड सिर्फ रख सकते हो, 14 एकर्स 15 एकर्स आप लैंड रख सकते हैं। मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल। मीन्स फिक्सिंग, एक फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने कि आपको बस इतनी रख सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। द एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें भी जमींदार और इंटरमीडिएट जो भी थे उनका
एबॉलिश हुआ, बंद हो गया उनका सिस्टम। ये सिस्टम सबसे ज्यादा केरल और वेस्ट बंगाल में सक्सेसफुल हुआ फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा ये लैंड सीलिंग का सिस्टम केरल और वेस्ट बंगाल में सक्सेसफुल हुआ, और लैंड रिफॉर्म्स दोनों एग्रीकल्चर में आते हैं। ये एग्रीकल्चर के वेलफेयर, एग्रीकल्चर को कैसे, सेक्टर को कैसे इंप्रूव करा जाए, ये दोनों मेन सिस्टम फोकस करते हैं, एक लैंड रिफॉर्म्स और एक लैंड सीलिंग। तो फ्रेंड्स ये दोनों आप टॉपिक अगर लिखना हो आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो आप लोग काफी अवेयर होंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन से, इसके बाद हम लोग डिटेल में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। सो फ्रेंड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने प्राइस सीलिंग के बारे में पढ़ा था, और प्राइस सीलिंग और लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। सो अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स एग्रीकल्चर। ये सारी हम डिफिनेशन, ये सारे पॉइंट्स हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर। तो एग्रीकल्चर में जैसे लैंड रिफॉर्म पढ़ा, लैंड सीलिंग पढ़ा। सो फ्रेंड्स ये सारी चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्होंने बहुत ज्यादा इफेक्ट करा, और मेनली एक ग्रो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रो के लिए वर्क करा, ना कि उनके ड्रॉप फॉल के लिए वर्क करा। एक ये सारे फैक्टर्स उसके ग्रो के लिए वर्क कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद एक तो पहली बात तो ये सब चीजें हुई, और ये सब चीजें ग्रो के लिए वर्क कर रही हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। सो फ्रेंड्स और ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे पहले तो एम एस स्वामीनाथन ने इंडिया में डिस्कवर करा था। इसके साइंटिस्ट एम एस स्वामीनाथन है, कभी पूछ लिया जाता है तो आप बता दीजिएगा। देखा है 75 पर अब ग्रीन रिवॉल्यूशन की क्यों जरूरत पड़ी। देखो है 75 ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। हमारे कंट्री की जो 75% पॉपुलेशन है वो किसमें डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर में फ्रेंड्स। बट एग्रीकल्चर तो डिपेंड थी, वो चलो अच्छी बात है, बट उससे हमारी इनकम नहीं जनरेट हो पा रही थी। जितनी हमारी अदर सेक्टर से इनकम जनरेट हो रही थी, उतनी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से नहीं इनकम जनरेट हो रही थी। हमें उतना हमारा आउटपुट नहीं निकल रहा था, हमें यूएसए वगैरह से जो लीज वगैरह में लेना पड़ता था वीट और ग्रेन्स वगैरह, वीट राइस वगैरह हमें लेना पड़ता था यूएसए अमेरिका वगैरह से, उनकी मर्सी में हमें जीना पड़ता था। सो फ्रेंड्स उसके लिए हमें ये ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ा। प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो बिकॉज ऑफ ओल्ड टेक्निक यूजेस। हमारी उस टाइम इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमारे पास मशीनरी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, सो हमें ओल्ड टेक्निक का यूज करके प्रोडक्शन करना पड़ रहा था फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट है हमारा, इंडिया इज वाइडली डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून। आज भी हमारा इंडिया किस में डिपेंडेंट है, मॉनसून में। आप भी न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे कि इंडिया मॉनसून में जब रेन होगी तब क्या कहते हैं कल्टीवेशन होगा, फार्मर्स अपना कल्टीवेशन करेंगे, बट ये मॉनसून में डिपेंडेंट है, तो इसका एक मेन ये ड्रॉबैक था। मेनली फोकस ऑन वीट एंड राइस। ग्रीन रिवॉल्यूशन में किस बात में फोकस करा, किस सीड्स वगैरह में फोकस करेंगे, वीट और राइस में फोकस करा गया हमें। एच वाई वी सीड मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यहाँ इंट्रोड्यूस करा गया। कभी कभी पूछ लेते हैं कौन से वैरायटी सीड्स का, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज करा गया फ्रेंड्स। मेनली कौन कौन से स्टेट ज्यादा अफेक्टेड हुए, मतलब कौन कौन से स्टेट में ज्यादा पैदावार हुई थी, कौन कौन से स्टेट में ज्यादा कल्टिवेशन हुआ था, ग्रो हुई थी, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु फ्रेंड्स। इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट पड़ा था। और फ्रेंड्स ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था, ये हमारा स्टार्ट हुआ था मिड 1970 to 1980 में हमारा स्टार्ट हुआ था, इसका फर्स्ट फेज हमारा स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स यही था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा एग्रीकल्चर का, इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर सेकेंड है हमारा एनसीईआरटी की बुक में। फ्रेंड्स तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे अब इंडस्ट्रीज के बारे में, इंडस्ट्रीज और सब्सिडी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक टॉपिक और देख लेते हैं फ्रेंड्स, सब्सिडीज का। ये सब्सिडीज क्या होती है, सब्सिडीज कई बार आपने सुना होगा एलपीजी में सब्सिडीज मिलती है, हमें मिलती, बट जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज मिलती है वो फ्रेंड्स अलग है। सब्सिडीज एग्रीकल्चर में किस लिए मिलती है, जो कॉस्टली सीड्स हैं, जो कॉस्टली सीड्स जो फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए सीड्स मिलती है। फाइनेंशियल हेल्प देती है गवर्नमेंट, फाइनेंशियल हेल्प देती है ताकि जो लो बैकग्राउंड के फार्मर्स हैं जिनके पास ज़्यादा इनकम नहीं है, वो भी हाई क्वालिटी के सीड्स परचेज कर सकें, ताकि उनको भी एक
एग्रीकल्चर इक्वालिटी हो, एग्रीकल्चर से हम लोगों लैंड रिफॉर्म पढ़ा था, एग्रीकल्चर इक्वालिटी के लिए लैंड रिफॉर्म हमारा इंट्रोड्यूस करा गया था फ्रेंड्स। तो एक सब्सिडी हमारे किस लिए, फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी जो लो पुअर फार्मर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए ताकि वो हाई वैरायटी के सीड्स खरीद सकें और ज्यादा से ज्यादा अपना ग्रो प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकें। सो फ्रेंड्स कई बार डिबेट होती है सब्सिडी डिबेट की फ्रेंड्स की ये सब्सिडीज फार्मर्स को मिलनी चाहिए कि नहीं, तो एट लास्ट इंडिपेंडेंस टाइम ये आया सॉल्यूशन कि रिच फार्मर्स को नहीं बट पुअर फार्मर्स को सब्सिडीज की हेल्प जरूर मिलनी चाहिए फ्रेंड्स। तो ये हमारे सब्सिडीज डिबेट में छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी ने दिया है तो इसलिए मैंने बता दिया, काफी वैसे भी राइटिंग काफी अच्छी है मेरी। सो फ्रेंड्स मैं बट इतना बोल देता हूँ कि आप समझ जाते होंगे पहले ही। सो फ्रेंड्स सब्सिडीज डिबेट ये था, इसके बाद मैं चालू करता हूँ टॉपिक इंडस्ट्रीज का। सो फ्रेंड्स इसको आपको अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए या तो वीडियो प्ले बैक करके आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल ट्रेड, इसके पहले हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो अब हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेड। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल बेस होना उसका बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल बेस कैसे होगा, इंडस्ट्रियल बेस कुछ गवर्नमेंट या तो पॉलिसीज वगैरह लॉन्च करेंगे, कुछ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास करेंगे, कुछ गवर्नमेंट हेल्प करेगी, तभी हमारा इंडस्ट्रियल एक बेस कंट्री का प्रिपेयर होगा। सो फ्रेंड्स एक लाइन लिखी है यहाँ, इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट पुअर नेशन कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। मीन्स इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं कि एक नेशन को प्रोग्रेस करने के लिए एक इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर होना चाहिए। इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज मोर स्टेबल, जो इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती हैं एम्प्लॉयमेंट वो ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेरिजन टू एग्रीकल्चर। दिस इज गुड, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। बट फ्रेंड्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया वी नो दैट एग्रीकल्चर इज नॉट स्टेबल, इट डिपेंड अपॉन मानसून। सो इन एग्रीकल्चर द एम्प्लॉयमेंट द जॉब इज नॉट स्टेबल ऑल्सो बिकॉज द एग्रीकल्चर इज नॉट स्टेबल, इट डिपेंड अपॉन द मानसून। सो इन एम्प्लॉयमेंट सपोज वी आर वर्किंग इन एनी कंपनी, सपोज हम लोग किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो उस कंपनी में एक हमारी जॉब ज़्यादा स्टेबल होगी कंपेरिजन टू एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारा उतना स्टेबल नहीं होगा हमारा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी में एक दो रेजोल्यूशन है, एक रेजोल्यूशन है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन और द सेकेंड है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन क्या है, 1956 एक रेजोल्यूशन है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था 1956 में। फ्रेंड्स इस रेजोल्यूशन में क्या हुआ था कि किसी को भी अगर न्यू कंपनी सेटअप करनी है तो उसको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। और फ्रेंड्स लाइसेंस लेना पड़ेगा एक पहली बात ये हो गई, सेकंड बात ये है कि ये अगर रूरल डेवलपमेंट रूरल साइड अगर कोई अपनी कंपनी सेटअप करता है, कोई अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करता है तो उसको लाइसेंस बहुत ही फ्रीली वे में, बहुत ज़्यादा मतलब उसको फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं करनी पड़ेंगी, कम से कम मिनिमम से मिनिमम प्राइस में उसको लाइसेंस वगैरह अलाउ हो जाएगा फ्रेंड्स। और जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं जिनको एक्सपेंड करनी है अपनी फर्म्स वगैरह, उनको भी IPR से अपना लाइसेंस लेना पड़ेगा एक्सपेंड करने के लिए। तो फ्रेंड्स IPR मीन्स लाइसेंस रिलेटेड, अगर आपको अपनी कंपनीज इंडस्ट्रीज वगैरह एक्सपेंड करनी है, इंडस्ट्रीज वगैरह आपको ओपन करनी है तो आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू IPR 1957। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये मेनली फॉर रूरल डेवलपमेंट था, रूरल क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रूरल डेवलपमेंट इसलिए था क्योंकि पहली बात स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव होती हैं बिकॉज लेबर इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और ये स्मॉल होती हैं इसलिए मल्टीनेशनल कंपनीज से कॉम्पीट नहीं कर पाती हैं। फ्रेंड्स दो बातें ये हो गई, तीसरी बात स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 1955 में एस्टेब्लिश हुई थी, कार्वे कमिटी है उस उनके कहने पर गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रेजोल्यूशन पास करा था। फ्रेंड्स रूरल डेवलपमेंट में ये एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का एक बहुत अच्छा वर्क करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो छोटी छोटी देखा होगा अपने छोटे छोटे वर्क होते हैं रूरल डेवलपमेंट गांव साइड एरियाज में अगर जाते हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। और IPR एंड स्मॉल स्केल
इंडस्ट्रीज हमारे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में हेल्प करती है। सो फ्रेंड्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, एक कंट्री को ग्रोथ करने के लिए इंडस्ट्री और ट्रेड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज में एक इंडस्ट्रियल बेस होना जरूरी है। एक टेक्निक, हम मॉडर्न टेक्निक का यूज करें। मॉडर्न टेक्निक का यूज करके हम तभी हम एक सेक्टर में डिपेंड होकर हम कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। सो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में तो प्रोग्रेस करना पड़ेगा, बट उसके साइड बाय साइड सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, अदर सेक्टर सब में हमें ग्रोथ करना पड़ेगा, तब हम जाके कहीं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ग्रोथ हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, ये आप लिख लीजिए, अगर आपको लिखना हो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये डाल लीजिए। और बाकी आपको सीबीएसई में तो लैंग्वेज आपको अपना पेपर बुक से पढ़ेंगे आप लोग, फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं कि आप खुद आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पीरियड बाद मैं अपनी एक माइक्रो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक मिनट फ्रेंड्स सेट अप कर दूं जरा। फ्रेंड्स, इसके बाद एक और टॉपिक है, इसके पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बात बताना चाहता हूं। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पीरियड बाद मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसका सेक्टर 2 पढ़ा रहा हूँ मैं, और स्टैट्स, ये क्लास 11 की है, इसकी मैं खुद की एक बुक आपको प्रिंट, पब्लिकेशन हाउस कोई नहीं है, मैंने खुद के उसमें नोट्स होंगे, खुद के उसमें कंप्राइज कराऊंगा, मैंने खुद के जितना अभी पढ़ाया एनालाइज कराया सारी बुक से वगैरह से, खुद की मेरी वो बुक होगी। तो वो बुक आप परचेज कर सकते हैं 9044852463 इस नंबर में, फ्रेंड्स ये आप कर सकते हैं, इस थ्रू पेटीएम और थ्रू बैंक अकाउंट ट्रांसफर आप मेरी बुक परचेज कर सकते हैं 9044852463। बुक्स के आप फ्रेंड्स उसमें मेरे नोट्स हैं जो क्लास 11th में आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैट्स पढ़ने में काम आएंगे, और क्लास 12th की भी ऐसे ही बुक है, वो मैं क्लास 12th के जब लेक्चर से स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, तो जैसे अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वो आप अपनी प्लीज, जिसको ना समझ में आओ प्लीज वीडियो प्ले बैक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, दिस इज अवर लास्ट टॉपिक, the trade policy import substitution on the topic Indian economy. Friends, this is our second chapter of the NCERT book, NCERT text. You can see that. Friends, trade policy import substitution, by the name we can say that trade means buying and selling, and import means all we know that purchase, and substitution means substitute, means import ko substitute karna hai, matlab iska means to hum samajh gaye ki import ko substitute karna hai. Friends, इस टॉपिक में हम डील करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स ऐसे लिए जा सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हम ऐसे ले सकते हैं ताकि हम जो हमने गुड्स दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट्स करने हैं तो उसका सब्स्टिट्यूशन करके अपने कंट्रीज में वही गुड्स प्रोड्यूस कर सकें, वही सेम क्वांटिटी के गुड्स प्रोड्यूस कर सकें, ताकि हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके कई सारे मेरिट्स होते हैं, कई सारे डिमेरिट्स होते हैं, कई मेरिट्स ज़्यादा होते हैं वैसे। जैसे हम लोग इंडिया गए तो इंडिया की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, प्रोटेक्ट फ्रॉम इम्पोर्ट। अब कैसे इम्पोर्ट करती है भाई, उनसे मना तो करेगी नहीं, लोगों से मना तो करेगी नहीं कि ना लो बाहर का सामान ना लो, ऐसे मना नहीं करती। फ्रेंड्स क्या करती है, जैसे हमने आईफोन मंगवाया चाइना से तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें टैक्स लगा देगी, उन्हीं टैक्स को हम लोग बोलते हैं टैरिफ एंड कोटास। टैरिफ एंड कोटास क्या होता है कि जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं हम अदर कंट्रीज से, जो गुड्स जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, चाइना वगैरह से गुड्स जो इम्पोर्ट करते हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। अब टैक्स लगाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि गुड्स हमारा महंगा होगा, गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो गुड्स एक्सपेंसिव हो जाता है। तो फिर जैसे पहले 100 पीपल्स डिमांड कर रहे थे, अब थोड़ा कम हो जाएगा, अब नॉर्मली 80-90 करने लगेंगे तो थोड़ा डिक्रीज होगा, और साइड बाय साइड गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपनी जो डोमेस्टिक कंट्रीज है उनसे कहेगी कि भाई आप भी प्रोडक्ट करिए, सेम क्वालिटी का, सेम साइज का ये सब प्रोडक्ट आप भी
करिए प्रोड्यूस, ताकि इंडिया के लोग इंडिया ही से प्रोडक्ट खरीदे, जैसे मेक इन इंडिया भी प्रोग्राम लॉन्च करा था मोदी ने, तो ये इसी का एक एग्जांपल है फ्रेंड्स। अब इंडस्ट्रियल ट्रेड पॉलिसी का एक सेवेंथ ईयर प्लान तक अभी तक 12 5 ईयर प्लान हो सकते हैं, हो गए हैं, अब तो बंद हो गया। तो 7 5 ईयर प्लान में देखा गया कि 1950 में हमारी जो जीडीपी थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो 11.8 थी, बट 1990 में हो गए 24.6 हो गए। ग्रोथ देखी गई, ग्रोथ किस वजह से देखी गई, ये सब जो टैरिफ एंड कोटास, ये सब जो डिसीजन लिए गए, इनका इफेक्ट यहाँ देखने को मिला। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, और ये सारे स्टेप्स लेना, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंस में ही इतना सफ़र कर रखा था, तो ये सारे ट्रेड पॉलिसी में डिसीजन, टैरिफ एंड कोटास का, इम्पोर्ट टैक्सेशन रेट इंक्रीज करना इम्पोर्टेड गुड्स में, ये सारे डिसीजन एक इम्पोर्टेंट पार्ट थे हमारे हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक मार्केट को इन ग्रोथ कराने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, एंड फ्रेंड्स इसके बाद आपको थर्ड चैप्टर में स्टार्ट करूंगा एनसीईआरटी का। सो फ्रेंड्स आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस फ्रेंड्स, लाइक शेयर कमेंट शेयर करिए, जो पुअर बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और फ्रेंड्स हमने कानपुर में फ्री एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च करा, बच्चे जो 11th 12th के हैं कानपुर में उनको मैं फ्री पढ़ाऊंगा। सो फ्रेंड्स आप मैं अभी नंबर दे दे रहा हूँ अपना, फ्रेंड्स ये मेरा नंबर है 9044852463, गौरव सिंह। फ्रेंड्स आप में से कोई भी ये कोचिंग ज्वाइन कर सकता है, 10 rupees प्लस आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने होंगे। आप आइए और पूरे ईयर का मैं फ्री कोचिंग पढ़ाऊंगा आपको। सो फ्रेंड्स आप कॉल करके किसी भी टाइम आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, 1 May 2017 से बैच स्टार्ट होंगे। तो फ्रेंड्स आप कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस एंड थैंक्स।